चलो एक सवाल देता हूँ, आप बनाओगे मैं बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा, तो अगर मैं ही बनाना है तो थोड़ा ठीक ही लेते हैं। फाइंड एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, दो लाइन दे देता हूं, 3x-4y + 7=0। ये लाइन हमारी रेखा वन है, ये लाइन रेखा टू है। कोई पंखा चल रहा है क्या? ये कैसी बात हुई यार, इतने बड़े रूम में एक ही पंखा चल रहा है। बंद करो तो सारे बंद करो, चालू करो तो सारे करो। कोई बात नहीं, हम इधर पंखा बंद चालू करने नहीं आए, पढ़ने आए, पढ़ लेते। ये दो रेखा है तो इसको एकदम उस तरीके से बनाते जो डेरिवेटिव का, जो डेरिवेशन के साथ। ये दो लाइन हो गई, पहली लाइन L1, दूसरी लाइन L2, इसके बीच से बाइसेक्टर जाएगा, यहीं जाएगा। और इस लाइन को थोड़ा मिटा देते हैं तो समझ जाएगा कि ओरिजिनल लाइन ये था, बाइसेक्टर हाईलाइट रहेगा। क्या बोलते हो? डन, मुबारक हो, लड्डू खाओ। ये बाइसेक्टर वन और ये बाइसेक्टर टू। अब कौन जाने कौन इंटरनल है एंगल और कौन एक्सटर्नल है, ये नहीं जानते। मान लेंगे बाइसेक्टर वन पर या बाइसेक्टर टू पर, जनरल इन जनरल बाइसेक्टर पर कोई एक पॉइंट है एक्स कमा वाई जिसका डिस्टेंस इससे और इससे दोनों क्या है इक्वल, यही करना है हमको। तो इसका इस पॉइंट का नाम रख देंगे L1, इस पॉइंट का नाम रख देंगे L2। क्या यूज करेंगे हम? बाक कुछ भी यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस लाइन के साथ इसका इक्वेशन निकालेंगे। क्या करो, इक्वेशन बोल लो, एक्स वाई का इस पॉइंट से, इस लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा 3x-4y + 7/√5 इक्वल टू 12x-5y-8y डिवाइडेड बाय 13। अब प्लस माइनस ना, अब कौन एक्यूट है और कौन ऑब्ट्यूस है? ए भाइयो चाचा, अप डाउन किए कितना? 35। ये तो महंगाई की तरह बढ़ रहा है भाई, कल तो 15 था। दीदी दीदी किए कितना आज? आप दूसरी बार लेट हुए ना, तीसरी बार हुए हो? क्या बोला आपने वैसे? पता नहीं, याद नहीं कि पता नहीं यार, अच्छा याद नहीं, इतने बार हो चुके। बढ़िया है ए भाई, ओ मोंगड़ू कल ही बच गए थे आप, आज ना छोड़ूंगा तुझे दम दमा दम। गप्पे किए तो ये लाइन है, आई इनमें प्लस ऑप्टिक्स देगा कि एक्यूट देगा, ये बात पता लगाने का विधि बताया था मैंने कल। क्या था वो? a1a2b1b2 निकालने का, a1a2 12 3 जा और 4 5 जा, पॉजिटिव ना, तो अगर a1a2b1b2 पॉजिटिव है तो प्लस साइन देगा ऑप्टिक्स, और माइनस साइन देगा हेयर हेयर। a1a2b1b2 क्या, c1c2 कहाँ से लाऊंगा मैं? 36 + 20 पॉजिटिव, सो प्लस देगा ऑप्टिक्स एंड माइनस देगा एक्यूट। सो इक्वेशन ऑफ ऑप्टिक्स बाइसेक्टर, ऑप्टिक्स बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होने वाला है? प्लस यूज कर ले, प्लस यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 5 जा, 13 3 जा, 39 और 39 और इधर ये 12 5 जा, 39x-60x अब बोल रहा हूँ प्लस यूज कर रहा हूँ माइनस, अरे बोंगड़ू इसको लेफ्ट लाऊंगा ना तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39 और -60x कितना?
माइनस 21 एक्स। अब y का कोफिशिएंट देखो 13 फोर जा 52 और ये 5 माइनस 25 लेफ्ट आएगा प्लस 25 तो 13 फोर जा 52 माइनस 52 और प्लस 25 माइनस 27 वाई। अब बचा कौन सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म 13 7 जा 91 और 8 5 जा माइनस 40 अब प्लस आएगा 131 इक्वल टू हो गया ये आप चाहे तो इसे 21x प्लस 27y प्लस इक्वल टू 131 भी लिख सकते हैं समझ गया ये डायग्राम के हिसाब से b1 है कि b2 है b2 है ऑब्ट्यूस तो b2 ही दिख रहा है डायग्राम में ओके अब है एंड एक्यूट बाइसेक्टर एक्यूट बाइसेक्टर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा अभी माइनस यूज करना पड़ेगा तो इससे माइनस के हेल्प से मिलेगा चलो माइनस यूज करेंगे तो क्या इसको इसके साथ जोड़ दिया जाए बस माइनस यूज करेंगे लेफ्ट लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा करो फिर 13 3 जा 39 और 60 99x और 13 4 जा माइनस 52 और उधर से माइनस 25 52 और 27 25 कितना होता है 77 माइनस 77 वाई कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा 13 7 जा 91 और माइनस 40 91 माइनस 50 40 माइनस 51 माइनस नहीं प्लस इज इक्वल टू 0 हो गया ये ठीक है एक्यूट भी आ गया ऑब्ट्यूस भी आ गया समझ गया इस तरीके से एक्यूट निकालते हैं और इसी तरीके से ऑब्ट्यूस भी निकालते हैं एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं क्या आप सीख गए कैसे करते हैं फाइंड बाइसेक्टर्स और बाइसेक्टर के इक्वेशन को फिर अलग भी करना है कि कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूस है बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दो करो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली कलोगे क्या होगा आपसे पक्का देखते हैं किसमें कितना है दम कौन बनाता है ये सब चीज बनाओगे करोड़पति बन जाओगे एक दिन एक्स माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल 6x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल है अब इसमें थोड़ा एक और छोटा टॉपिक है पूछा यह जाएगा कि वो बाइसेक्टर बताओ जिसमें ओरिजिन कंटेन करता हो अब आपसे सवाल में ये नहीं पूछा जाएगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बताओ अब आपसे पूछा जाएगा कि वो वाला बाइसेक्टर बता दो जिसमें एक ओरिजिन कंटेन करता हो या फिर कोई एक पॉइंट अल्फा कमा बीटा कंटेन करता हो क्या अर्थ है इस बात का अर्थ यह है कि अगर ओरिजिन कंटेन करता हो इसका मतलब अगर ओरिजिन B1 वाले रीजन में कंटेन करता हो इसका मतलब ओरिजिन इधर इधर कहीं पर भी लाई करता है या फिर इधर इधर कहीं पर भी लाई करता है समझ पा रहे हो B1 वाले रीजन में ओरिजिन लाई करने का क्या मतलब है यहाँ लाई करना या 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 इधर लाई करना या इधर या इधर या इधर ये सब B1 का रीजन है ना जी और अगर ओरिजिन B2 में लाई करना
इधर देखो ध्यान से, आधे नींद में आधे जागे जागे देखो कैसे चलेगा काम। अगर ओरिजिन B2 में लाइ करें, इसका मतलब ओरिजिन यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या फिर इधर है, समझ पा रहे हैं? तब आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिन जिस रीजन में लाइ करता है वो वाला बाइसेक्टर बताओ। हमें किस पता चलेगा ओरिजिन किधर लाइ करता है? फंडा है, एक फंडा ये है कि इन दोनों ही इक्वेशन का सी का वैल्यू को पॉजिटिव बना दो। इस इक्वेशन में सी का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका सी का वैल्यू पॉजिटिव बनाने जाएंगे तो कैसे कैसे करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। और सी का वैल्यू पॉजिटिव बनाने के बाद प्लस साइन यूज करने से जो इक्वेशन आएगा उसमें ओरिजिन लाई करता है, और माइनस साइन यूज करने से जो इक्वेशन आएगा उसमें ओरिजिन नहीं लाई करता है। बहुत सिंपल एक और तरीका है, मान लो ओरिजिन यहां लाई करता है, चंग 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 चंग, मान लीजिए ओरिजिन यहां का लाई करता है, तब इस ओरिजिन का L1 से डिस्टेंस कम होगा कि बाइसेक्टर से डिस्टेंस कम होगा? बाइसेक्टर से डिस्टेंस कम होगा, चेक करने का ये ज्योमेट्रिक है। अब इस ओरिजिन का L2 से डिस्टेंस कम होगा कि बाइसेक्टर से डिस्टेंस कम होगा? बाइसेक्टर से डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर ओरिजिन यहाँ लाई करें, हाँ जी, देखो सही, कंपेयर तो बहुत चीज करना पड़ेगा। अगर ओरिजिन यहाँ लाई करे तो B2 से डिस्टेंस इतना है और L1 से डिस्टेंस इतना है, दोनों पास में ही हुए। पहले वाला तरीका बता देते हैं कि C1 C2 को पॉजिटिव बना दो, क्या कर दो? C1 C2 को कर दो पॉजिटिव, और उसके बाद जो नया इक्वेशन बन जाएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर, ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर, पहले A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दो स्टेप लिख देता हूँ इसके, पहला स्टेप कि मैक्स C1 C2 पॉजिटिव, मैक्स C1 एंड C2 पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि सेम साइन का भी बोल सकते हो, नेगेटिव में भी सेम रहेगा। मेक C1 C2 पॉजिटिव, पॉजिटिव करने के बाद स्टेप टू क्या करना है? यूज प्लस फॉर बाइसेक्टर ऑफ रीजन की स्पेलिंग यही होता है ना, पहली बार सही स्पेलिंग लिखा हुआ मैंने, अब लोग कंटेनिंग भूल गया मैं, अच्छा उधर ही लिखा था कंटेनिंग ओरिजिन एंड ये फंडा याद रखना, यूज माइनस फॉर बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग ओरिजिन और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, रीजन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। अब ये चीज को एक काम करो, इसके जो दो बाइसेक्टर आए हैं ग्राफ पर इसे ड्रॉ करो, इन दोनों बाइसेक्टर को, इसके दो बाइसेक्टर आए ना, और देखो कि कौन सा रीजन में ओरिजिन लाई करता है, ड्रॉ करो इसको। अब वो दो लाइन भी ड्रॉ करिए, ये दो बाइसेक्टर भी ड्रॉ करिए, और फिर देखिए ओरिजिन किस रीजन में लाई करता है। अगर आप उतना ग्राफ ड्रॉ करके नहीं देखना चाहते हैं देन ये स्टेप फॉलो करें, नहीं तो ग्राफ ड्रॉ करके चेक करो। इक्वेशंस जो दिए थे वो दिए थे 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 1 रख दो और y की वैल्यू माइनस 1 रख दो, ना x की वैल्यू माइनस 1 रख दो और y की वैल्यू 1 रख दो तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो माइनस 1 कमा 1 एक पॉइंट इसका, और स्लोप है उसका कितना?
पॉजिटिव स्लोप है 3/4, y का वैल्यू 0 रख दो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -7/3। इसका मतलब लगभग -2। चलो ये तो एक लाइन हो गया, इसका ये कौन सा लाइन है? L1। और दूसरा लाइन है 12x-5y, x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू कितना मिलेगा? 8/5, -8/5, तो 0 का मान -8/5 यहाँ रह जाएगा। और दूसरा लाइन कौन सा रहा? और दूसरा पॉइंट, y का वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8/12, 8/12 का मतलब 2/3। ठीक है, ऐसा तो ओरिजिन किधर? इधर ओरिजिन कौन से साइड में लाइक किया? एक्यूट एंगल पे, एक्यूट एंगल पे ओरिजिन लाइक किया ना, डायग्राम में दिख रहा है एक्यूट एंगल पे ओरिजिन लाइक किया, उसमें C1 C2 पॉजिटिव बना देंगे। तो C1 C2 पॉजिटिव बनाने से अच्छा एक और उपाय है कि यहाँ जहाँ प्लस माइनस है वहाँ माइनस प्लस कर दें, वो तो वही होगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई होने वाला दूसरा वाला लाइन, तो इसलिए क्या कर दें, प्लस माइनस के बदले माइनस प्लस कर देंगे। ठीक, तो अगर हमको ये वाला बाइसेक्टर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका C1 पॉजिटिव बनाने के बाद, C2 पॉजिटिव बनाने के बाद, इसके लिए हमको प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, और प्लस साइन यूज करना है इसके लिए, इसका मतलब इधर कौन सा यूज करना पड़ेगा? माइनस, वही मैं किया गया, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस, प्लस माइनस, जब इसको माइनस कर दोगे, इसी को माइनस करोगे, करके ही दिखाता हूँ मैं। पहले इसका इक्वेशन बताओ, 3x-4y+7=0, ये रहा लाइन L1, और आप क्या करेंगे? दूसरा लाइन कौन सा है? 12x ना रे, -12x+5y+8=0, ये रहा L2। ठीक, तो ये लाइन रखे, अब जब आप इसे, अब आपको ये वाला एक्यूट बाइसेक्टर है, आपको चाहिए एक्यूट बाइसेक्टर, एक्यूट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? पहले तो C1 C2 चेक करो, मतलब A1 A2 B1 B2 चेक करो, ये क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो दोनों क्या हो गए? A1 A2 B1 B2 क्या रह गए? नेगेटिव। तब आपको कौन सा साइन यूज करना चाहिए? एक्यूट के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? ये नेगेटिव है तो वो प्लस यूज कर रहे होंगे, अब प्लस यूज करोगे तो क्या लिखोगे? 3x-4y+7/5=+ अरे प्लस ऑफ ये वाला इक्वेशन, -12x+5y+8/13। अब एक काम करो, ये प्लस हटा के ये माइनस भी हटा दो, और इधर माइनस लगा दो, और इधर माइनस लगा दो, क्या इसी को सॉल्व करके एक्यूट लाए हो? उधर देखो, इसी को सॉल्व करके एक्यूट लाए हो ना? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर C1 C2 सेम साइन का है तो प्लस यूज करोगे, C1 C2 सेम साइन का है तो प्लस यूज करोगे तो वो रीजन मिलेगा जिसमें ओरिजिन लाई करता है, और अगर अपोजिट साइन का है तो माइनस प्लस यूज करोगे तो वो रीजन जिसमें ओरिजिन लाई नहीं करता है। इसके 16 रिजल्ट लिखे जा सकते हैं, लिखना कोई एक है, बाकी सब अपने आप पता चलता है। वैसे आपको बता ही देते हैं, अगर C1 C2 पॉजिटिव है तो ओरिजिन लाई करने वाले रीजन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्लस यूज करना पड़ेगा, और ओरिजिन नॉट कंटेनिंग वाले रीजन के लिए माइनस यूज करना पड़ेगा। और अगर C1 C2 दोनों नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यही रहेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो दोनों से माइनस लगा कैंसिल कर सकते हैं ना भाई, क्या फर्क होगा? कुछ नहीं होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तब ये चीज़ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। माइनस यूज करेंगे तो वो रीजन मिलेगा जिसमें ओरिजिन लाए नहीं करता है, और प्लस यूज करेंगे तो वो रीजन, अच्छा माइनस यूज करेंगे तो वो रीजन मिलेगा जिसमें ओरिजिन लाए करता है, और प्लस यूज करेंगे तो वो रीजन मिलेगा जिसमें ओरिजिन नहीं लाए करता है। कब? जब C1 C2 अपोजिट साइन कर, समझे? ये एक तो शॉर्टकट लिख सकते हो, या नहीं तो ऐसे चेक करना पड़ेगा डायग्राम बना बना के।
डायग्राम बना के चेक करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। पर शॉर्टकट याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। इतना ही नहीं, अभी और चीज़ें इसमें। ये तो ओरिजिन कंटेनिंग बताया ना, अब किसी स्पेशल पॉइंट का कंटेनिंग बताऊंगा। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट अल्फा कामा बीटा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा कामा बीटा जिस रीजन में लाए करता है वो रीजन से गुजरने वाला बाइसेक्टर बताओ। तो आपको क्या पता अल्फा कामा बीटा इधर लाए करता है कि उधर लाए करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जिस रीजन से अल्फा कामा बीटा, कोई एक स्पेशल पॉइंट दिया रहेगा, मान लो 2.3 ही दे दिया जैसे इस क्वेश्चन में दे देगा, कि वो रीजन का बाइसेक्टर बताओ, वो उस बाइसेक्टर का इक्वेशन बताओ जिस रीजन में 2.3 है। वो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, मैं बताता जी। यहां C1 C2 को ऐसा देखो कि इस लाइन में अगर x y के बदले 0 पुट कर दें तो क्या बचेगा फिर? C1। और इस लाइन में x y के बदले 0 पुट कर दें क्या मिल जाएगा? 0। अभी 0 0 नहीं पुट करना, पहले तो ओरिजिन चेक कर रहे थे ना, इसलिए 0 0 पुट किया था। आप क्या चेक करेंगे? कोस की वैल्यू, अल्फा बीटा। तो कंडीशन बन जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस C1, मतलब C1 ना रहेगा, अब क्या रहेगा? ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस C1 और A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2। अगर सेम साइन के हुए, सेम साइन के हुए तो प्लस साइन कौन सा रीजन देगा जिसमें वो पॉइंट कंटेन करता है, और माइनस साइन कौन सा रीजन देगा जिसमें पॉइंट कंटेन नहीं करता है। और अगर ये अपोजिट साइन के रहे, एक पॉजिटिव आ जाए दूसरा नेगेटिव आ जाए, तब प्लस साइन क्या रीजन देगा जिसमें वो पॉइंट कंटेन नहीं करता है। माइनस साइन कौन सा रीजन देगा जिसमें कंटेन करता है। क्या ये बात समझ गया? बस लिखना है। समझ तो आप लोग बड़े अच्छे से जाते हो यार, पर पिछले टेस्ट में नंबर जो है वो बड़ा कम आया। 236 नंबर टॉपर को है। कौन है टॉपर? दो सौ छत्तीस नंबर। ऐसा क्या था पेपर में? तो दो ये चार क्वेश्चन ना, तो पूरे पेपर ही गलत था। आंसर की नहीं मिली? नहीं। शर्मा सर को बोलो ना आंसर की के लिए। मैं भूल जाता हूँ, इसीलिए तो इतने लोग हमारे सहयोग में हैं। हेल्प भाई, हेल्प। अ पॉइंट पी अल्फा का मा बीटा कंटेनिंग बाइसेक्टर, मतलब वो बाइसेक्टर जिसके रीजन में अल्फा कामा बीटा कंटेन करता है। क्या करना है आपको? चेक कर लो, चेक A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 एंड A2 अल्फा B2 बीटा प्लस C2 आर ऑफ, पहले रहेगा सेम साइन। सेम साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव? सेम साइन, इट मींस क्या? प्लस प्लस और माइनस माइनस, वो ना ही लिखेंगे। देन दो बातें होगी, एक प्लस से यूज करेंगे, यूज प्लस और यूज माइनस। प्लस यूज कब करोगे? गड्ढे में जाने के लिए। प्लस यूज वो रीजन जिसमें वो कंटेन करता है। बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग अल्फा कामा बीट, और ये एक बाइसेक्टर ऑफ रीजन नॉट कंटेनिंग अल्फा कामा बीट, यही ना।
और अपोजिट साइन का रहा दोनों, तो अपोजिट साइन देन क्या, देन यूज प्लस एंड यूज माइनस। प्लस यूज करोगे किसके लिए, नॉट कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग अल्फ का बीट एंड यूज कंटेनिंग अल्फ का बीट। समझ गए सवाल। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ रीजन, ए भाई रीजन के स्पेलिंग भूल गए, रीजन कंटेनिंग 2, 3 ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस अरे ये तो वही है, कैलकुलेशन के लिए आसान होता है इसलिए मैंने डाटा वैसे दिया। लो माइनस 10 दे दिया। आया तो रख लो फिर, पॉजिटिव आया तो आगे करो। दोनों पॉजिटिव आ गए, मणे ना लागे है, मणे क्या नहीं लागे है, पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव आया, बहुत पॉजिटिव आया तो प्लस यूज करोगे वो रीजन के लिए जिसमें लाइक करता है, माइनस यूज करोगे वो रीजन के लिए जिसमें नहीं करता है। तो आपको वो रीजन का इक्वेशन चाहिए जो उसमें लाई करता है तो प्लस यूज करो। गर्मी बहुत है भाई, बड़ी कंफ्यूज वाला मौसम है, टी शर्ट पहनो तो ठंडी लगेगी, जैकेट पहनो गर्मी लगेगी, मतलब चेक करो आप, मतलब 2, 3 पर वो पॉइंट क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब दोनों लाइन का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है, दोनों पॉजिटिव ही आते हैं, तब आप प्लस साइन का यूज करते हुए बाइसेक्टर निकालो। मैं कर दूं क्या, करना ही पड़ेगा। 2, 3 पहले लाइन में डालेंगे, L1 @2, 3 क्या होगा जी, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। L2 @2, 3 क्या होगा जी, पॉजिटिव। तो यूज क्या करना पड़ेगा, फॉर रिक्वायर्ड रीजन, फॉर रीजन कंटेनिंग 2, 3 ये इंग्लिश थोड़ी इसकी मतलब बेड़ा गर्क हो गया, भाव समझ गए ना आप, कि 2, 3 वाला रीजन जिस रीजन में 2, 3 लाई करेगा उसी रीजन का बाइसेक्टर, यानी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग 2, 3 ऐसा लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, आप ठीक से लिखना। हाँ 2, वो गलती से आया था,
2.3 पॉजिटिव। अब क्या करना, प्लस साइन यूज करना है। देखो दीदी प्लस कैसे यूज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, 12x प्लस 5y माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना जी, रूट 13 क्या 13 बंगड़े इक्वल टू। अब यहाँ प्लस यूज कर लेंगे क्या, डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ठीक, कितना हो गया जी, 12×5=60x और माइनस 39 21x 25y और माइनस 52 ना, तो माइनस 27 50 और माइनस 50 और माइनस 13 माइनस 63 इक्वल टू 0। ये तो 21 से कट जाता है ना, 7 से कट जाता है, ऐसे कैसे नहीं कटेगा, सेवन एक्स माइनस